Ravi Gupta from Delhi. अर्चना जी, कुछ दिनों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी. क्यों? क्योंकि मेरी बॉस से बन नहीं रही थी. ओहो, अच्छा. वो मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा घुस रहा था. अच्छा. वो हमेशा मुझसे बोलता था कि तुम ये सी ग्रेड बी ग्रेड मूवीज क्यों देखते हो. एक कच्ची जवानी पक्का पपीता टाइप. तो मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना. तो बोला लेकिन ऑफिस में तो मत देखो. फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं थोड़ा घूमने निकल गया खुद को पहचानने के लिए. और मैं चला गया आगरा ताजमहल देखने के लिए. जैसे ही मैं आगरा स्टेशन से बाहर निकला, एक बंदा मेरा हाथ पकड़ के बोला चलो जल्दी चलो, चलिए हम आपको ताजमहल दिखा देंगे और हम आपको आगरा फोर्ट भी दिखा देंगे. मैंने बोला भाई तू है कौन? बोल रहा मैं ऑटो वाला. मैंने बोला रिलैक्स, मुझे कुछ खाना भी है. बोले चलिए हम आपको नाश्ता भी करा देंगे. क्यों बे, हम जीजा हैं तुम्हारे. ऐसे तो तुम मेरी आदत खराब कर दोगे. ऐसे में कहीं उतर रहा हूँ, हाँ भाई कितना पैसे हो? 50 रुपया. मैं नहीं दूंगा. समोसा तो खिलाया नहीं तुमने मुझे. और देखिए शेखर जी, ऑटो वाले भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं. लाइक दिल्ली और मुंबई के ऑटो वाले में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वाले को कहीं चलने बोलो तो चलता है. दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले. आज मौसम बढ़िया है दोस्त. उसे बोलो भाई मुझे गुड़गांव जाना है. पर द्वारका बढ़िया जगह है. पर मुझे तो गुड़गांव जाना है. पर द्वारका में इस टाइम मौसम अच्छा हो रखा है. वहां छोड़ देता हूँ, वहां से ऑटो कर लेना. अरे बट जो सबसे अजीबोगरीब ऑटो वाले हैं वो यूपी के हैं. अच्छा. वहां के ऑटो वाले का जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो आदमी सड़क के उस पार खड़ा हो मेरे ऑटो पे क्यों नहीं. उसको अपने ऑटो पे बस लोग चाहिए. उसको लोग चाहिए. उसको समझता नहीं कि उसको ऑटो, उसको लगता है ट्रक है. कितना भी लोग बिठा लेंगे लोग आ जाएंगे. वो इधर से खाली भरे जा रहे हैं, इधर से कितना गिर रहे वो देख भी नहीं. ऑटो वालों को कोई जमीन नहीं. तुम ट्रैफिक जाम में फंसे रह जाओगे पैदल, ऑटो वाला निकाल ले जाएगा. ये घर के आंगन वांगन से लेके जा रहा. मैं एक बार वेट कर रहा था ऑटो का, मुझे चाहिए था. और सामने से एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया. पर उस ऑटो में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी. उसका ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ था. उसकी गोद में एक आदमी था जिसने अपनी गोद में बच्चा ले रखा था. और उसने ऑटो मेरे सामने लाके रोक दिया. बोला कहाँ जाना है. और आप देखोगे कभी भी ऑटो वालों को कुछ सरकैज़म समझ नहीं आता. मैंने बोला तू पागल वागल है क्या, तू सर पे बिठाएगा क्या. उसकी आंखों में चमक आ गई. हाँ ये तो कभी ट्राई किया ही नहीं. अच्छा खैर, जब मैं उस दिन आगरा फोर्ट घूमने चला गया, और देखिए मैं यूपी से हूँ और बनिया आदमी, हम लोग गाइड पे पैसे नहीं खर्च करते. बट द थिंग इज, अगर आप गाइड कर भी लेते हो ना, वो तुम्हें बेवकूफी बनाएंगे. वहां पे गाइड ऐसे बता रहा कि ये संगमरमर की दीवारें, ये गर्मी में गर्म रहती और ठंडी में ठंडी हो जाती. मैं बता रहा हूँ गाइड भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं. लाइक एक बार मैं जंगल में घूम रहा था और हमारे साथ में गाइड था. मैंने बोला भाई ये जगह बहुत डरावनी लग रही, सुने यहाँ भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देते. बोल नहीं साहब, देखिए भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैलें ये सब मन का वहम है. आप जितना सोचोगे आपको उतना दिखाई देगा, नहीं सोचोगे मार के चला जाएगा. बोले ये देखिए ये है सुसाइड पॉइंट. यहाँ पे आदमी लोग गिर के सुसाइड कर लेते हैं. बोले क्या सुसाइड पॉइंट, तो पहाड़ है, पहाड़ तो इधर भी, इधर से कूद के आदमी मर ही जाएगा. बोल नहीं यहाँ से बढ़िया मरता है. आगरा फोर्ट घूम रहा था, एक चीज मैंने नोटिस की, हमारी सरकार हमको लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. वहां पर आगरा फोर्ट में बोर्ड लगे हुए थे, उसमें लिखा था कि यहाँ की दीवारों को नहीं खराब करने के लिए धन्यवाद. और वहीं 17-18 साल का एक लड़का दीवार पे प्रियंका प्लस पंकज, और वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होकर देख रहा था. बोल रहे बाबू बहुत प्यार करते हो प्रियंका को, बस जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो उसे मिटाने चले आना. थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आई लव यू. थैंक यू. भारत गणेशपुरे और सागर करंडे. अरे नमस्ते शेखर जी. नमस्ते. नमस्ते. अरे अर्चना जी नमस्ते, कैसे आप? सब ठीक. मस्त मजे में, सब मजे में रहने का. अरे बाप रे सिद्धू पाजी, क्या नमस्ते.
हेलो 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 अरे मैं बात कर रहा हूँ फोन पे हेलो हाँ सर सर मैं पहुँच गया सर हाँ मैं यहाँ कब का पहुँचा हूँ सर हाँ वही खड़ा हूँ सर मैं तो लेटने की कोशिश कर रहा हूँ सर हाँ सर सर आपका काम हो जाएगा सर सर मैंने सबका काम तमाम कर दिया सर अरे अरे ओ मैं यहाँ पे फोन पे बात कर रहा हूँ आप क्यों बीच बीच में बात कर रहे हो चुप बैठो ना जरा हाँ मैं बात कर रहा हूँ फोन पे हेलो अच्छा सुनो भाई साहब आप भाई साहब भाई साहब अरे कितने दिनों के बाद किसने इज्जत दिया है मेरे को मुझे सिर्फ इतना बताओ ये गली का नाम क्या है टुंग गली क्या टुंग गली नाम है इसका मतलब यहाँ से सिर्फ अर्चना और मैं जाती है इधर नहीं मेरा मेरा मतलब था ये रास्ता कहाँ पे जाता है अरे सवेरे से मैं यहाँ हूँ किधर नहीं जा रहा इधर ही खड़ा है रास्ता है आदमी है हाँ? ये पूछना पड़ेगा नहीं मैं पूछता हूँ मैं पूछता हूँ हाँ, पूछो पूछो किसी से पूछो ए, रास्ते किधर जा रहे तुम हाँ बोले जन्नुम में जा रहे जाने गए अरे नहीं नहीं मेरा मतलब है देखिए देखो ना यार मैं कब से देख रहा हूँ उसके तरफ वो देखने रहे मेरे तरफ पहले उसको बोलो मेरे तरफ देखने का नहीं तो लोग बोलेंगे वन साइडेड लव है ऐसा नहीं चलेगा उसको भी बोलो बिल्कुल चलेगा ना ऐसा बिल्कुल अरे ऐसा नहीं है देखिए मतलब देखिए ऐसा नहीं होता क्या खुजा होता है देखिए देखिए मतलब सुनिए सुनाओ ना यार सुनाओ क्या बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं सुना है मैंने तुम सुनाओ सुनाऊं आज मैं तो मेरा देखो ये कैसा है हाँ, मेरा ऐसा है तुम्हारा कैसा है मेरे को क्या पता अरे यार रुको ना तुम जरा माफ कर दे मेरे भाई मेरी बात सुन मेरे बाप तू मेरा बेटा है साले मेरा बेटा है तो स्कूल क्यों नहीं गए तेरे लिए इतना खर्चा करता हूँ मैं पैसे का मतलब तू इधर उधर घूमता है ऐसे चिट्ठी दिखा के तेरे को ऐसा नहीं है हाँ बेटा मेरे को मालूम है सुनो मैं आपको बाप बोला इसके ऐसा नहीं है कि मैं आप मेरे बाप हो गए मैं आपका बेटा ऐसा बोलने का तरीका होता है अरे बदल डालो ये तरीका गलत है धंधा तरीका है किसके घर को जाएंगे बोलेंगे अरे मेरा औरत ऐसा बोलेंगे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये सरकार को मैं अरे सरकार का क्या भाषण मत करो रुको रुको बहुत अर्जेंट है सुनो बहुत बहुत अर्जेंट है मुझे दवाई देनी है किसी को विपुल विपुल भाई कहाँ पे रहते पता आपको अरे कल बोलने मैं कल ही जाके आया उधर विपुल भाई क्या नहीं नहीं उधर अग्रवाल साहब रहते ना अग्रवाल साहब उनकी बेटी की गोद भर रही थी उनकी बेटी की शादी हो गई नहीं नहीं शादी तो अगले साल है गोद भरे का अर्जेंट में आ गया अरे यार सुनो ना उनकी बेटी को छोड़ो आप मैंने किधर पकड़ के रखा उसको अरे नहीं सुनो ना यार तुम आप अगर ये देखो मुझे ये एड्रेस चाहिए वो कहाँ पे रहते हैं विपुल भाई का एड्रेस पता है करने का तुमको क्या कर दवाई देनी है मुझे मेरे को बोलना भाई तो दवाई के चक्कर में छोड़ दे ये दे दे पटक से अरे बीमार है वो अरे जरूरतमंद को ना दवा देनी चाहिए वो दुआ देता है एड़ा है तू जरूरतमंद को दारू देनी चाहिए वो दुआ भी देता साथ में चकना भी देता है क्या आदमी है यार अर्जुन शेखर थोड़ा थोड़ा भरू एक एक पटक से भरू अरे अरे दवा दोगे ना तो दुआ मिलती है जान बचती है उससे अरे ये पीने से जान में जान आ जाती है सुना नहीं गया ये जान में जान डाल दे पीते ही इसके बारे में लिखा है क्या आदमी हो यार सुबह सुबह 8 बजे पीते हो यही टाइम है बेटा ये सही वक्त है ये सही वक्त है किसी शायर ने क्या खूब कहा है मालूम है क्या ये इंतजार गलत है कि शाम हो जाए हो सके तो अभी दौरे जाम हो जाए अरे भाई मेरी बात सुनो मुझे विपुल भाई से मिलना है विपुल भाई से उनका एड्रेस बता दो मुझे दवाई देनी है उनको बहुत सीरियस है वो अरे फिर तो दवाई शेखर जी को दे दे फिर सीरियस क्यों अरे वो भी बहुत सीरियस है रोशल को लेके अरे यार जो बोल रहा हूँ वो छोड़ो ना इनका छोड़ो उनका छोड़ो अरे एक आदमी मर रहा है वहाँ पे मुझे दवाई देनी है बहुत सीरियस उनका पता बता वो कहाँ रहते हैं एड्रेस बताओ तू यार कंफ्यूज मत कर तू मेरे को बता उनका एड्रेस चाहिए कि वो कहाँ रहते वो जगह चाहिए मगर अरे एक ही बात है ना नहीं बाबा दुनिया बदल गई
लोग एड्रेस अलग देते हैं, रहते अलग जगह पे। ये अभी अर्चना इनका एड्रेस है मडलन, रहते कुर्सी पे है। तो ये रोशल रोशल इसका एड्रेस मलड में है, पर रहती मेरे और शेखर के दिल में है। शेखर जी दोनों का अकाउंट एक साथ सेट कर दिया है टीचर ने, बहुत पटक से बोल दिया। क्या बोल रहा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इधर इधर हूं मैं, तुम कितने बात कर रहे हो। अरे सुनो सुनो प्लीज, मैं तो आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे एड्रेस पता दो, वो आदमी मर जाएगा, दवाई पहुँचानी मुझे प्लीज। एक मेरे भाई, टेंशन मत ले, गड़बड़ का काम शैतान का होता है। हाँ, सीधा जाएगा, हाँ, राइट टर्न आएगा। किधर जा रहा है? अरे आप ही बोले ना, सीधा जाके राइट मारना है। राइट मारना नहीं बोला, राइट टर्न आएगा ऐसा बोला। अच्छा आएगा, 100 रुपए निकल। क्यों? नो एंट्री उधर। अरे नो एंट्री में घुसते है, बोला गया तेरे को जाने का, बोला गया नहीं बोले ना, नो एंट्री में ऐसा। तो अभी सीधा जा राइट टर्न आएगा, नहीं लेने का उसको, नहीं लेने का बागी जो, फिर लेफ्ट टर्न आएगा, वो लेने का, नहीं लेने का, लेफ्ट टर्न आएगा, लेफ्ट टर्न तो दूसरा घर ऐसा। तो उधर एक औरत इसे दिखेगी मस्त खूबसूरत सी, वो घर है क्या विपुल भाई का? बोला कि मैंने विपुल भाई का घर रहे, तो वो औरत बोलेगी उसको खाली जाते समय ऐसा ऐसा करके निकल जाने का। अरे उस औरत को मैं क्यों करूँ ऐसा? अरे मेरे को टाइम नहीं है ना बोलना, भारत भाई ने भेजा है ऐसा करके। उससे आगे जाएगा, पांचवा नंबर का घर है। वो घर है? वो मेरा घर है। अरे यार आप घर क्यों बता रहे हो मुझे? मेरा काम है, उधर जाते जाएगा ना तू। ये देख मैं क्या लाया है, ये देख, ये क्या? ये बैगन पहुंचा देना उधर, मेरी बीबी को बोलना आज भाई साहब को बैगन खाने का मूड हो गया, मस्त बैगन बनाओ। मैं आपके घर पे जाकर, अरे समझ रहे हो, आप पूरा एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर ये बैगन पहुंचाना पड़ेगा, आज बैगन खाने जाएगा मूड हो गया क्या? मेरे को टाइम नहीं है क्या देने का? नहीं मैं भेजा, मुझे तो भेजते क्या मैं ऐसा, मुझे दवाई पहुंचानी, ये बैगन पहुंचा है जरा मेरे बीबी की तरफ देखना, नहीं बहुत खूबसूरत है वो। अरे लेकिन खाली ऐसा दूर से ऐसा बैगन देने का, निकल जाने का, समझे? अच्छा ठीक है, कैसे कैसे करेगा बता, अभी करके बता, वो मर जाएगा आदमी, भरोसा नहीं, करके बता, वो आदमी मर जाएगा, करके बता मेरे को कैसे करेगा, करके बता, करके निकालने का। हां हां, खट 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 खट, कुंडी न खड़काओ राजा, और बीवी बोल रही डायरेक्ट अंदर आ जा, नहीं मैं ये है मतलब आना है, मतलब मैं नहीं आ सकता, वो आपके हस्बैंड ने कहा है कि वो ये बैंगन वो भरता बना दो। वो तो सबको मना करते हैं, शेखर को भी मना किया था। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने घसीट लिया उनके अंदर, ये आप ले लो ना, मतलब मैं बाद में ट्राई करता हूँ ऐसे कुछ, ये मुझे दवाई पहुँचानी है ना, तो आप उधर क्यों देख रहे हैं भाई साहब? वो आपके हस्बैंड देखा देखा चीटिंग करता है ना, चीटिंग करता है, मैंने बोला तेरे को नहीं देखने का, नहीं देखने का, बीबी की तरफ नहीं देखने का, वो कुछ भी बोलेंगी, तू नहीं देखने का। अरे यार ये आप बता कि चलो मुझे एड्रेस बता दो यार, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे एड्रेस बता। अरे वो आदमी मर जाएगा, उसकी जगह मेरे पास है। एक एक मिनट, एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है, एक मिनट, एक मिनट, एड्रेस बता प्लीज, एक मिनट, फोन बज रहा है मेरा, सॉरी फोन बज रहा है। हेलो हेलो, मैं टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो क्या बात कर रहे हो? अरे बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं काफी लोग परेशान थे, उठ जा बेटा, उठ जा तेरा तेरा काम हो गया अभी, ये अभी दवाई पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मतलब विपुल भाई चल बसे।